we'll come to the features from the current server. So we'll start with the features. Sirf naam padhenge, detail mein nahi jayenge, because jo bhi naam hai, I want you guys to remember once. Okay, features of Java, what I'll do now. Pehla features tha object oriented. Main classroom join to kiya, lekin checkbox open rakhta hu. Okay, I'll open the checkbox. Yes, it is open now. We'll be starting with the features of Java ka chota sa revision. Naam padhenge sirf, object oriented hota hai. Platform independent hota hai Java. उसके बाद सिंपल है, सिक्योर है, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है. आर्किटेक्चरली न्यूट्रल के अंदर हम लोग एक वर्ड बाइट कोड को यूज कर रहे थे. टुडे विल बी लर्निंग एन एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइट कोड. है ना, बाइट कोड को अंदर शायद से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फ्यू स्टूडेंट्स माइट हैव मिस्टेकन दिस बाइट कोड. बाइट कोड इज नॉट अ मशीन लैंग्वेज. बाइट कोड इज अ लैंग्वेज विच JVM अंडरस्टैंड. तो आज ना बाइट कोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि बाइट कोड एक मशीन लैंग्वेज नहीं है. दिस इज अ JVM लैंग्वेज, है ना, हमारे मशीन से रिलेटेड लैंग्वेज नहीं है. वो जावा वर्चुअल मशीन वाला लैंग्वेज क्लियर बाद में करूंगा, लेकिन जो गलत है उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइट कोड इज नॉट 0101 लैंग्वेज. करेक्ट, आई विल शो यू. आज हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको डॉट क्लास फाइल में रन करेंगे. आई विल जस्ट ओपन इट इन नोटपैड इफ पॉसिबल एंड शो कि उसके अंदर 0101 नहीं होगा. दैट इज अ लैंग्वेज जो हमारे JVM को पढ़ने को आता है. ठीक है, सो दिस आर द थ्री फीचर्स: सिंपल, सिक्योर, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल. देन इट वॉज पोर्टेबल, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड था, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. फिर इंटरप्रेटेड, यानी कि जो भी है फाइल, देयर इज नो नेसेसरी टू डाउनलोड इन द सिस्टम. राइट, वी कैन रन इट डायरेक्टली बाय यूजिंग JVM. हाई परफॉर्मेंस, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हाई परफॉर्मेंस. डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरनेट पे, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस फाइल डायनामिक. इट कैन रन विद अ लॉट ऑफ डेटा इन रियली शॉर्ट टाइम. राइट, एंड दिस वेर नथिंग बट द फीचर्स ऑफ द जावा दैट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द फ्यू डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा. थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक हम लोग ने जावा को ज्यादा नहीं पढ़ा है. हैव यू गाइस वेंट थ्रू द लैंग्वेज सी प्रायर टू दिस? कभी सी पढ़ा है, मीन्स इन द कोर्स? आई थिंक आप लोगों ने सिर्फ पाइथन पढ़ा है, सी नहीं पढ़ा है. करेक्ट, आई थिंक समवन हैड जॉइन, लेट मी सी. नो, ओके, नो इशू अबाउट इट. सी लैंग्वेज व्हेन आई हैव लर्न इज इट वाज माय स्कूल. आई थिंक जब मैं स्कूल में था ना तभी मैंने कभी तो सी पढ़ा था, और उसके बाद सी आई हैव नेवर टच्ड. बट अगर मैं सी के बारे में बोलूँ ना, इट इज अ रियली सिंपल लैंग्वेज, बट इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन योर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. Also, C is a कौन सा स्कूल था सर? इट वॉज ओके, ठीक है, बट इसके बाद नो पर्सनल क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन. ओके, दिस वॉज पूर्ण, नाम सही से प्रोनाउंस करूंगा कि नहीं, इट इज पूर्ण प्रज्ञा स्कूल, दहिसर में है. ठीक है, तभी शायद से मैंने पढ़ा था, उसके बाद कभी नहीं पढ़ा. ओके, सो जो C सिखाता है हमारे, आई थिंक वो उस टाइम पे जब मैं पढ़ता था तब थोड़ा आगे बढ़ता था हमारा स्कूल, इसीलिए वो पढ़ा रहा था हमको. Right? Okay, so let it be aside. What I was saying is C is a kind of a language that works between your hardware and your software. Also, C is one of the procedural language. Java ke baare mein hume pata hai ki start hi hum log ne object oriented programming se kaha. Procedural ka matlab bhi main aage aapko bata chuka tha ki procedural ka matlab aisi programming language जो लीनियर स्टेप्स होते हैं, यानी कि एक के बाद कोर्स हो गए, उसके अंदर कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट्स या फिर क्लासेस नहीं दिखेंगे. सो द फर्स्ट डिफरेंट दैट वी नोट बिटवीन सी एंड द जावा इज सी विल बी अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर एज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजरल का अगर सिंगल लाइन मीनिंग कहने की कोशिश करूं तो मैं वापस से रिपीट करूंगा कि उसके अंदर लीनियर स्टेप्स होते हैं, यानी कि एक के बाद एक स्टेप्स आएंगे कोड्स के अंदर, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट्स या फिर क्लासेस या फिर रीयूजेबिलिटी नहीं होती है. करेक्ट, एंड इफ यू वांट टू मेक सम चेंजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस दैट यू नीड टू मेक, बिकॉज आप लीनियर स्टेप्स के अंदर बीच में कुछ भी घुसा नहीं सकते. करेक्ट, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग वो चीजें कर सकते हैं, प्रोसीजरल में हम लोग वो चीजें नहीं कर सकते. बट द फर्स्ट डिफरेंस इज सी इज प्रोसीजरल, व्हाइल द जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Okay, let's see few more differences. C does not support threading, यानी कि multitasking जो था वो C के अंदर नहीं किया जा सकता, but Java का एक feature है कि हम लोग वहां पे
मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस कि सी के अंदर हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, वेयर इन द जावा वी कैन डू. दिस शुड यू हैव बीन अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे है ना, तो कुछ 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा कुड बी आस्क. डेफिनेटली इसके ऊपर एमसीक्यू बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि कुछ तो बना सकते. Right, so what we are doing is just trying to learn the theoretical difference between C and the Java. C के अंदर multitasking नहीं कर सकते, whereas in the Java, this is one of the features that we can do multitasking in Java. C supports pointer, where Java does not support pointer. अब since you guys haven't learned the C, तो pointer क्या होता है वो नहीं पता. Not to worry about it. Pointer को अगर simple terms में अगर मैं convert करूँ ना, आप इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते थे, आई थिंक पाइथन. पाइथन के अंदर क्या होता है ना कि हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करते थे. प्रॉम्प्ट, व्हाट डस इट मीन बाय प्रॉम्प्ट? जय मिश्रा जी, कैन यू जस्ट गिव मी अ इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट? यस, प्रॉम्प्ट आप क्या कहना चाहते हो जय मिश्रा जी? अभिषेक राय जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ओके, नो इशू, वी शुड सेट अस लेटर ऑन. व्हाट आई वाज सेइंग इज, मैं पॉइंटर के बारे में बात कर रहा था. सही, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? मैं भी क्वेश्चन मार्क है मेरे को भी, बट ही विल टेल अस लेटर ऑन, आई थिंक टाइप कर रहा होगा, बट मैं पॉइंटर के बारे में कहता हूँ. टाइप, नो इशू. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज आइडिया ऑफ द पॉइंटर. आई नो कि आप लोगों ने इससे पहले सी को नहीं पढ़ा, बट अगर सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करूँ तो आपके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है अबाउट लैंग्वेज कॉल्ड एज पाइथन, जिसके अंदर आपने वेरिएबल्स तो एटलीस्ट पता होगा, है ना? सो वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होता है ना कि वी क्रिएट अ, गाइज, ओके, प्रॉम्प्ट, व्हाट दे मीन बाय इट आई डोंट नो, आई जस्ट इग्नोर द चेक बॉक्स फॉर अ सेकेंड, पॉइंटर के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है. हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते थे. व्हेनेवर वी क्रिएट अ वेरिएबल, दैट वेरिएबल टेक्स सम वैल्यू फ्रॉम, सॉरी, टेक्स सम स्टोरेज और द लोकेशन फ्रॉम अवर सिस्टम, है ना? जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे ना, वो वेरिएबल हमारे सिस्टम का कोई एक लोकेशन के अंदर जाके स्टोर होगा. द पॉइंटर इज एन आइडिया विच गेट एक्सेस टू द लोकेशन ऑफ दैट वेरिएबल. यानी कि अगर आप पाइथन में काम करते थे ना, सपोज आई क्रिएट अ वेरिएबल n, an integer n, फिर क्या होगा ना, आई कैन वर्क ऑन दैट स्टोरेज बाय कॉलिंग दैट वेरिएबल n. जावा के अंदर भी ऐसा ही होता है. आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर जिसको नाम दे दिया है n. नाउ वो जो है ना n, वो आपके सिस्टम के अंदर थोड़ा सा एक जगह लेके काम करना शुरू कर देता. तो उस जगह के अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करना है, सपोज आई वॉन्ट टू गिव n इज इक्वल टू 100, यानी कि ऑन दैट प्लेस आई वॉन्ट टू स्टोर द वैल्यू 100, जिसको मैं लेटर ऑन यूज करूं. सो व्हाट आई डू, आई राइट n इज इक्वल टू 100. जावा के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, सी के अंदर हम लोग ये चीज तो कर सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 100 करके ऑन दैट प्लेस आई कैन स्टोर द वैल्यू 100. बट देर इज वन मोर वे टू एक्सेस दैट n, दैट इज बाय यूजिंग इट्स लोकेशन. एंड दिस आइडिया टू यूज अ वेरिएबल बाय यूजिंग इट्स लोकेशन इज कॉल्ड एज एन आइडिया ऑफ पॉइंटर, जो सी के अंदर किया जा सकता है. सो पॉइंटर इज नथिंग बट using a variable by using its location in your device. Okay, so pointer is nothing but using a variable by using its location, जो C के अंदर किया जा सकता है but Java के अंदर नहीं किया जा सकता. So that is a difference between C and the Java. Is the idea clear? Because मुझे पता है आप लोगों ने C नहीं पढ़ा ना, तो pointer क्या होता है, कैसे use करना है, those would be difficult idea. अभी तक Java भी नहीं पढ़ा है, so वो भी difficult होगा कि variable क्या है, कैसे define करना. Things are different, but theoretically उसका मतलब समझ के रखते हैं. This might be useful for the exam purpose. हमें practical के अंदर ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि pointer define करना, ऐसी कोई जरूरत नहीं. But pointer का concept समझ में आ रहा है कि क्या कहता है. We can do C के अंदर, that is an advantage. We can do both the way. है ना? Why I said this is an advantage? C क्या है? C एक ऐसा language है जो hardware और software के बीच में काम करता है. इसीलिए उसके अंदर हम लोग pointer कर सकते हैं. और हमारे दूसरे जो लैंग्वेज है जैसे कि जावा, उसके अंदर ये चीज नहीं कर सकते. वी कैन कॉल अ वेरिएबल बाय नेम आल्सो,
बट देर इज एन एक्स्ट्रा वे ऑफ कॉलिंग दैट इज बाय पॉइंटर. ऐसा नहीं कि उसके अंदर वो वे नहीं है, तो वो बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है. बोथ द वे वी कैन डू इट राइट. सो पॉइंटर इज समथिंग बट कॉलिंग अ वेरिएबल बाय यूजिंग लोकेशन. बाय नेम ऑल्सो वी कैन कॉल, बट एडवांटेज है कि लोकेशन से भी कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड डिफरेंस. In C, garbage collection needs to be managed manually, while in Java, it is automatically managed by the garbage collector. Now, what is the difference in this point is ki, suppose if you are writing some program, kya hoga na, aap bahut sare while running the program, while typing the code, kuch bhi karte waqt kya na, aap kabhi bhi kuch bhi input daloge, kya karoge, uske baad you will run the program, you will run it again, hai na, bahut sari cheeze aap software ke upar kaam karte rahoge. अगर आपने सॉफ्टवेयर जावा में लिखा है देन क्या होगा ना, जो भी चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो दोस थिंग्स विल गेट ऑटोमेटिकली डिलीटेड, और उसका जो स्पेस है ना वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट टाइम यूज, यानी कि किसी और चीज के यूज के लिए वो स्पेस अपने आप यूज हो जाता है. बिकॉज इन जावा देर इज अ गार्बेज कलेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी कि जावा के अंदर ऑलरेडी गार्बेज कलेक्टर करके एक मेथड है जो आपके लिए जो अनयूज्ड चीज है ना उसको डिलीट कर देगा. वेर इन सी ऐसा कोई भी गार्बेज कलेक्टर नहीं, यानी कि सपोज इफ यू वांट टू फ्री सम मेमोरी तो आपको क्या करना होगा, मैन्युअली बाय राइटिंग द कोड यू कैन डू इट. बट ऐसा कोई मेथड या फिर ऐसा कोई फंक्शन सी के अंदर नहीं होता जिससे आप अनयूज्ड चीजों को डिलीट कर सको ऑटोमेटिकली. वेर इन जावा यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द स्पेस मैनेजमेंट, वो अपने आप जावा करता है. सो सी space management need to be done manually, where in Java it is automatically done by garbage collector. Is the difference clear? क्या करता है? C के अंदर जो भी unused जगह रहेगी वो अपने आप clear नहीं होगी, लेकिन Java के अंदर unused, यानी कि suppose आपने एक variable create कर दिया चार program के पहले, है ना, अब वो जगह use नहीं हो रहा है ना, वो ऐसे ही पड़ा है, तो what the system will do is this garbage collector will delete that space और उसकी जगह पे फ्री स्पेस बना के दे देगा विच कैन बी यूज लेटर ऑन. इज गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? नो इश्यू. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, वन मोर डिफरेंस. पांच डिफरेंस ही हमारे लिए आई थिंक इनफ हो जाएंगे. द लास्ट डिफरेंस इज सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज व्हाइल जावा इज एन हाई लेवल लैंग्वेज. सो आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास के अंदर आई हैव आस्क्ड यू टू search about these two types. Actually, मैंने low level के बारे में भी कहा था, but these two are something that we need. Have anybody done this? ये search किया था किसी ने? Middle level language क्या होता है और high level language क्या होता है? ये किसी ने किया था search? Anybody knows about it? I think Sukman आज आया नहीं है. Scholar घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं. Okay, no issue about it. हम क्या करते हैं ना, पहले चार point को कर लेते हैं वापस से clear. फिफ्थ पॉइंट है ना वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिख के रखा है बिकॉज आई न्यू कि आप शायद से नहीं करोगे. सो पहले चार पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेंगे. सी क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. सी के अंदर और मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता है जबकि जावा के अंदर हो सकता है. सी के अंदर आप पॉइंटर यूज कर सकते हो, जावा के अंदर आप नहीं कर सकते हो. इन सी गार्बेज कलेक्शन मैन्युअली करना पड़ता है, जावा के अंदर अगर आप अनयूज स्पेस है तो अपने आप क्लियर हो जाता है फॉर अ लेटर यूज, है ना. तो गार्बेज कलेक्टर इज ऑटोमेटिक इन जावा, वेयर इन सी मैन्युअली करना पड़ता है. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, वेयर द जावा इज इन हाई लेवल लैंग्वेज. आई थिंक वन ऑफ द पॉइंट हैज बीन गिवन बाय अर्पिता. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अर्पिता जी आप क्या कहना चाहते हो? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड द जावा, ऐसा है? यस अर्पिता जी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पॉइंट मैंने क्यों नहीं लिया? बिकॉज वंस आई से सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर वो चीजें आ जाती है. अगर जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसी के अंदर वो आ जाएगा ना. और नॉट, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दैट पॉइंट. आई विल जस्ट वर्क ऑन दैट पॉइंट जो अर्पिता जी देना चाहती है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. I need to work on it because object oriented में platform independence नहीं कहा जाता, procedural में भी नहीं कहा जा सकता. But Java का advantage है कि वो platform independent है. लेकिन C के बारे में I need to search कि वो platform dependent है कि नहीं. Mostly it is.
यस इट इज बिकॉज हम लोग कोड लिखेंगे ना तो मैं आपको शेयर करूंगा ना तो आपके सिस्टम में नहीं होगा. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस दैट अर्पिता जी हैज गिवन. क्या कहना है कि सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट पर जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट शी एडेड. लेकिन अभी हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ओके सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है. सो एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन के लिए बना है. यानी कि दिस इज अ लैंग्वेज दैट ह्यूमन विल ईजिली अंडरस्टूड. है ना, जैसे कि अगर मैं जावा के बारे में बात करूंगा ना, दिस लैंग्वेज कुड बी ईजिली अंडरस्टूड बाय अस. जैसे कि हम लोग थोड़े टाइम बाद एक एग्जाम्पल करेंगे ना, तो इफ आई लेट यू नो द फ्यू रूल्स कि कैसे लिखना है, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे उसके लॉजिक. उसके साथ साथ ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो किसके लिए बनी है, तो दैट इज मेंट टू बी कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड द सॉफ्टवेयर. और इसके लिए आपको कोई हार्डवेयर नॉलेज होने की जरूरत नहीं. यानी कि आपके पास जो लैपटॉप है या फिर आपके पास जो कंप्यूटर है वो उसके अंदर कौन सा हार्डवेयर है, किस तरीके से उस हार्डवेयर के अंदर काम करेगा आपका कोड, वो चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं. यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है ना कि उसके अंदर सभी चीजें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड करके रखी है ना. तो जो चीजें सिंप्लीफाइड इन व्हाट सेंस, कि आपके पास ऑलरेडी कुछ रूल्स रहेंगे, इफ यू फॉलो दैट रूल्स अकॉर्डिंगली आप सिंटेक्स लिखोगे, अकॉर्डिंगली आप अपने कोड्स बना सकते हो. सो देयर इज नो नीड टू लर्न द एक्चुअल हार्डवेयर कनेक्शन ऑफ योर कोड विद द सिस्टम, वो समझने की जरूरत नहीं होती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर. जबकि मिडिल लैंग्वेज लैंग्वेज है वो कब काम करता है, किसके बीच में काम करता है, तो आपका जो भी आप हार्डवेयर यूज करते हो और आपके सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होगा उन दोनों के बीच में वो ब्रिज बनाता है. यानी कि अगर मैं सी के बारे में बात करूं तो सी क्या करता है, वो आप जो सॉफ्टवेयर लिखते हो और वो सॉफ्टवेयर सीधा वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर देता. जबकि जब हम लोग जावा के प्रोग्राम लिखते हैं ना तो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं करता. हम लोग ने जो भी कोड लिखा रहेगा वो कोड आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट होके रन करता है. जबकि सी क्या करता है, वो खुद ही कनेक्शन है आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में. सो हाई लेवल लैंग्वेज इज मेंट टू बी कनेक्ट ह्यूमन विद द सॉफ्टवेयर, बट द मिडिल लेवल लैंग्वेज इज मेंट टू बी कनेक्ट हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर. इस हाई लेवल और मिडिल लेवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बिकॉज डिटेल में नहीं जा सकता. हमें सिर्फ वर्ड से मतलब रखना है अभी के लिए. तो कि हाई लेवल मतलब क्या हो रहा है कि दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड अ सॉफ्टवेयर, मिडिल लेवल इज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. यस सो जस्ट सी द डिफरेंस वंस. एक और पॉइंट है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर थोड़ा ऐड कर दूंगा. और पिताजी ने एक अच्छा है, आई थिंक हम लोग ने थोड़े टाइम पहले किया था जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला था ना, तब हम लोग ने ये डिफरेंस देखा था सी एंड जावा का, कि सी जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है पर जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दिस इज द वन पॉइंट दैट आई विल ऐड डेफिनेटली. जब शेयर करूंगा तब मैं ऐड कर दूंगा. लेकिन अभी के लिए प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता है, पॉइंटर यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, गार्बेज कलेक्शन मैन्युअली करना होगा ऑटोमेटिकली होगा. एक हाई लेवल है, एक मिडल लेवल है, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है एंड एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा. Now we will talk about type of Java programs and also इसके अंदर हम लोग एक टाइप सीखेंगे जो हमारा मेन कोर्स के अंदर आ रहा है, ये जो सेमिस्टर थ्री जो है उसके अंदर हम लोग कौन से टाइप का जावा प्रोग्राम करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. मेनली जावा प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और फिर उन टू पार्ट्स के अंदर और भी बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं, लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली टू मेन पार्ट्स. So there are two types of Java programs. One is called as a Java standalone application and other is called as a Java applets. इस semester के अंदर हम लोग Java standalone application का एक part सीखने वाले, और previous year semester 6 के अंदर Java applet था. अब Java applet के बारे में मैं थोड़ा आपको information देना चाहूंगा कि जावा एप्लेट वॉज समथिंग विच वॉज देयर विद जावा जब वो पहली बार रिलीज हुआ था इन 1995. यानी कि जो पहला जेडीके आया था ना तब उसके अंदर जावा एप्लेट था. जावा एप्लीकेशन वॉज ऑलरेडी देयर बट जावा एप्लेट तभी भी उसके अंदर था. लेकिन धीरे धीरे व्हेन टाइम पासेस ना, ये जो जावा एप्लेट था ना उसका यूज होना बहुत कम हो गया. जावा एप्लेट एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट के ऊपर बनी है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पता है कैलकुलेटर खोल के बताया था, है ना, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स करना.
अगर हम लोग आज से 20 साल पहले की बात करते थे ना, तब सभी जो इंटरनेट के ऊपर कोड्स लिखे जाते थे ऐसे कैलकुलेशन वाले कोड, वो सब जावा एप्लेट में लिखे जाते थे। लेकिन नाउ इफ वी टॉक, हम लोग कोई भी कोड देखेंगे इंटरनेट के ऊपर दैट आर रिटर्न इनसाइड जावास्क्रिप्ट। उसके साथ साथ और एक डिसएडवांटेज जावा एप्लेट का ये है, रीसेंट जो नए नए ब्राउजर्स है वो जावा एप्लेट को सपोर्ट नहीं करते। उसके साथ साथ खुद JDK के 7th वर्जन के बाद का जो सारे वर्जन है वो जावा एप्लेट को सपोर्ट नहीं करते। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन मैं चाहता था कि आपका पोर्शन चेंज हो जाए। तो लास्ट सेमेस्टर मैं बच्चे लोगों को पढ़ा रहा था जावा एप्लेट, बट इस सेमेस्टर 6 के अंदर आपको जावा एप्लेट नहीं पढ़ना होगा, आपको उसकी जगह पे उसका एडवांस वर्जन जावास्क्रिप्ट पढ़ना होगा। ठीक है, सो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करना था, द रीजन बिहाइंड चेंजिंग एप्लेट टू जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ साथ आपको एप्लेट का थोड़ा हिस्ट्री भी पता चला। बट वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन लाइक इन क्लाउड, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन दैट यू आस्क अर्पिता जी। लाइक इन क्लाउड मीन्स वॉट? Like in cloud, what you meant by it actually? Arpita ji, can you just elaborate your question? Because I think question is interesting. We can talk about it. I'll just give you time to elaborate. Tab tak hum log at least, ha, applet as in program that is stored in the cloud and not on the system. You can say. So, but not directly cloud types. If I just try to make it clear, applet ऐसा ही नहीं है कि cloud में ही save होता है, because it might be possible कि मैं आपके साथ share करता हूँ and that you download in your system. But applet का advantage ये था, या फिर मैं कहूँगा कि कोई भी Java program का advantage होता है कि उसको download किए बिना in your system we can run that. Applet ही नहीं, कोई भी जावा प्रोग्राम को डाउनलोड किए बिना यू कैन रन इट इन योर सिस्टम, इसलिए वो इंटरनेट के ऊपर यूज हो सकता है। डाउनलोड इन द सेंस व्हाट आई मीन इज कि उस वो जो सॉफ्टवेयर होगा ना वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, स्टिल यू कैन रन इट, राइट? दैट मींस व्हाट आई व्हेन आई से ना कि डाउनलोड नहीं करना, दैट मींस कि मैं ये कहता हूं कि उसको आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होने की जरूरत नहीं। The word I when I use ना कि download नहीं करना, that means आपके system के अंदर वो codes तो आएंगे, that codes will get downloaded in your system, but आपके system के अंदर वो install नहीं होगा। And cloud not on your system, the applet in the applet is a program that is stored in the cloud and not in your system. नहीं, MTBL who already serves पे होता है, मतलब अच्छा MTBL means मतलब वो already server पे होता है, correct? It will be on the server once I click. I want this file, वो सर्वर से मेरे सिस्टम के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ रन होगा। उसका जो कोड है वो मेरे सिस्टम के अंदर आएगा जरूर, जैसे ही मैं फाइल क्लोज करूंगा ना those things will get deleted, इंस्टॉल नहीं हो रहा, that is the point, है ना? रन कर सकता है without even installing it, that is an advantage, right? Is it okay, Arpita ji? What I said is कि वो आपके कोड जो है आपके सिस्टम के अंदर आएगा जरूर, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे कि सपोज अगर मुझे कोई गेम खेलना है ना, तो what I need to do is there are I need to install it. अगर मुझे फोन में कुछ खेलना है ना, तो I need to install it. Most of the game अभी इंटरनेट भी खेली जा सकती है, but what I say अगर सपोज मुझे कोई एक गेम खेलना है तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ, एंड ऑन द अदर हैंड देर आर सम गेम्स विच आई कैन प्ले ऑनलाइन ऑल्सो, सो इट इज द सेम डिफरेंस कि इंस्टॉल किए बिना भी यू कैन यूज इट। ओके, सो हम लोग है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के ऊपर, देयर आर मेन टू टाइप्स एंड दोस टू टाइप्स और भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस एंड दूसरा है जावा एप्लेट। पहले हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एप्लीकेशंस क्या होते हैं? अ जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, अ जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रिफर्स टू द जावा प्रोग्राम दैट कैन रन independently on the computer. अब यहां पे है ना ये stand alone word इसीलिए insert किया गया है because it can run independently. अब
यहाँ पे ये वर्ड इंडिपेंडेंट क्यों यूज हुआ है? एप्लेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों? बिकॉज एप्लेट को आप ऐसे ही रन नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज अगर मुझे जैसे कि हम लोग ने वो एग्जाम्पल लिया था ना वेब ब्राउजर के ऊपर, वो जो सिस्टम ओपन किया था, वो जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम में अकेला रन नहीं कर सकता। टू रन दैट प्रोग्राम आई नीड दैट HTML का पेज। कोई भी एप्लेट प्रोग्राम अलोन आप रन कर सकते हो सिर्फ चेक करने के लिए, लेकिन सपोज आई मेंट टू बी रन विथ HTML पेज। मैंने क्या कहा कि कोई भी एप्लेट प्रोग्राम आपको कहीं पे इंसर्ट करना होता है, क्यों? बिकॉज उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कोई भी एप्लेट स्टार्ट नहीं हो सकता है ऑन इट्स ओन। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक HTML पेज बनाएंगे, उस HTML पेज के अंदर बीच में कहीं तो हम लोग एक एप्लेट का फाइल छोड़ देंगे। अब जब कभी भी मैं क्लिक करूंगा वो एप्लेट का फाइल एक्टिवेट होगा एंड दैट इट कैन रन, बट इंडिपेंडेंटली कोई भी एप्लेट का फाइल रन नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग एप्लेट को प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं कहूंगा, बट इट इज अ डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों? बिकॉज वो अकेला काम नहीं कर सकता। वेयर एज हम लोग जो पढ़ने वाले इस कोर्स के अंदर वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी कि जो कोड मैं लिखूंगा ना उसके लिए मुझे कोई और कोड की जरूरत नहीं है। मैंने कोई भी अगर कोडिंग करूंगा ना इसके बाद तो वो कोड को अकेला मैं रन कर सकता हूं, उसको मुझे किसी और चीज में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्टैंड अलोन या फिर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर मैंने कोड लिखा तो आई कैन रन इट डायरेक्टली, मुझे कोई और कोड के अंदर उसको डालने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे हम लोग दोनों देख रहे हैं एक ही साथ में, एप्लीकेशन स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट है यानी कि लिख के आप उसको अकेले रन कर सकते हो। एप्लेट जो है वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो हमें उसको HTML फाइल के अंदर डालना पड़ता है अगर मुझे रन करना है। इन जावा एवरी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन विद द मेन मेथड। ये जो लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन जो है, सॉरी आई बिकॉज है ना मैंने पूरा PPT ओपन नहीं किया ना इसलिए मैं आज देख नहीं पाऊंगा, बट ये जो अभी मैंने लाइन रीड किया, इन जावा एवरी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बिगिन्स इट्स एग्जीक्यूशन विद द मेन मेथड, इसका जो मतलब है ना वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं पहला कोड लिखूंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि कोई भी जावा प्रोग्राम के अंदर एक मेथड पक्का होता है, दैट इज नथिंग बट मेन मेथड। मेन मेथड कैसे डिक्लेयर करना, क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या सीखते हैं कि हर एक जावा एप्लीकेशन के अंदर मेन मेथड होता है और मेन मेथड से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है रीड करने। डिटेल बाद में देखेंगे, इस पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना याद रखेंगे कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर मेन मेथड होता है। जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, एक है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे इस सेमिस्टर के अंदर, हम लोग क्या पढ़ने वाला है तो हम लोग जावा एप्लीकेशन पढ़ने वाला है। कौन से टाइप का, तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। डू वी नीड टू कंपाइल इट एवरी टाइम? यस अर्पिता जी, एवरी टाइम इन द सेंस कि अगर आप कुछ चेंज करोगे तो आपको करना पड़ेगा कंपाइल, आज हम लोग करेंगे भी, है ना। इफ यू मेक सम चेंज इन द कोड देन यू नीड टू कंपाइल इट, अदरवाइज सपोज यू हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट प्रोग्राम एंड आपने कंपाइल करके डॉट ट्राइस फाइल बना के रखा, देन यू जस्ट नीड टू रन इट, हर एक बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, करेक्ट। लेकिन सिस्टम के अंदर वो फाइल होना चाहिए डॉट क्लास का टू रन इट, अगर आप चेंज कर रहे हो तो कंपाइल करना, ओके। सो हम कहां थे, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें से भी कौन सा टाइप पढ़ेगा तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, तो कंसोल का मतलब क्या होता है, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर कंसोल को समझने की कोशिश करें तो कंसोल एक ऐसा टर्मिनल होगा जहां पे यूजर कमांड देगा अपने सिस्टम को टू डू समथिंग, आइदर टू रन अ प्रोग्राम और सम इनपुट देगा और उसके ऊपर काम करके आपका सिस्टम आउटपुट देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसोल, है ना। तो एक ऐसी जगह जहां पे यूजर इंटरैक्ट करता है अपनी सिस्टम के साथ। इंटरैक्ट का मतलब मैं क्या कहता हूं कि आप कोई एक सिस्टम को रन कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, आप किसी एक
प्रोग्राम को रन कर सकते हो, उसके अंदर इनपुट डाल सकते हो और आउटपुट ले सकते हो इन द कंसोल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम लोग GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे यूजर के साथ इंटर कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बटन, विंडोज इनपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे कि अगर सपोज आई ओपन दिस ओवर हियर, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट अ ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्यों? बिकॉज आई कैन राइट समथिंग इनसाइड दिस, आई कैन टाइप एन एंटर। जैसे मैंने एंटर किया ना तो और बहुत सारी चीजें हुई, हर एक जगह पे क्लिक करने पे कुछ रिएक्शन आ रहा है। सो अभी जो भी चीजें स्क्रीन पे हो रही है ना, दिस इज नथिंग बट ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक का यूज करके यूजर के साथ इंटरफेस कर रहा है, यानी कि इंटरेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो हम लोग ऐसा सब कुछ नहीं सीखने वाले, बटन टेक्स्ट फील्ड विंडो ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं आएंगी। हम लोग जो टाइप का कोडिंग सीखेंगे उस कोडिंग के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ कमांड देना होगा, बेस्ड ऑन दैट कमांड हमारा सिस्टम चीजों को रन करके हमें आउटपुट देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी क्या सीखा, तो जावा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, यानी कि एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। यू राइट द कोड, यू कैन रन इट डायरेक्टली, देयर इज नो नीड टू पुट इट इनसाइड समथिंग, करेक्ट। देयर इज वन मोर पॉइंट जो हमने लिखा कि हर एक एप्लीकेशन के अंदर मेन मेथड होता है, मीनिंग थोड़े टाइम बाद सीखेंगे। एप्लीकेशन दो टाइप के होता है, कंसोल बेस्ड और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, करेक्ट। तो दिस इज वन टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम एप्लीकेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है एप्लेट। अगर एप्लीकेशन समझ जाता है ना तो एप्लेट इजीली समझ जाता है। पहला चीज क्या है, जावा एप्लेट्स आर एक्चुअली अ जावा एप्लीकेशंस दैट्स रन विद इन अ वेब ब्राउजर, दे आर मेनली यूज्ड फॉर द इंटरनेट प्रोग्राम। The applet is capable of performing many tasks on the web page, such as displaying graphics, playing sounds, and accepting user input. So Java applet, अगर simple word में कहा जाए, so these are nothing but small Java application that are meant to be run on internet. उसके साथ साथ ये इंटरनेट यानी कि HTML के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। देयर इज नो वे इन विच यू कैन रन जावा एप्लेट अलोन। यू कैन चेक इट, यानी कि अगर सपोज आपने एक जावा एप्लेट का एक कोड लिख दिया, देन यू कैन चेक इट बाय यूजिंग अ कमांड प्रॉम्प्ट। CMD के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग उसको रन करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है, तो मेन काम होता है HTML के अंदर रह के वेब पेज यानी कि वेब ब्राउजर के अंदर उसका काम होता है। यानी कि हर बार जावा एप्लेट लिखा जाता है तो कौन से पर्पस से, तो उसको HTML के इंबर्ड करने के अंदर पर्पस से हम लोग लिखते हैं। अगर आप इफ आई शो यू समथिंग, आई विल शो यू वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेमिस्टर 6। आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम ऑफ जावा एप्लेट। You can see easily, ये जो green के अंदर जो चीजें है ना, these are nothing but a command prompt के अंदर, sorry, comment मैंने लिखा है, these are actually an HTML code. तो applet जो है ना, ये green को छोड़ के, अभी जो मैंने highlight किया ना, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें applet का code है, लेकिन ये applet का code अकेला मैं run नहीं कर सकता। I need this HTML code अलग से actually करना चाहिए, but there is a short trick जिसके अंदर एक ही file के अंदर हम लोग दोनों चीज कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग एक HTML फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कनेक्ट करते हैं, बट दिस इज अ ट्रिक बाय विच वी कैन कंबाइन द थिंग्स। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इज कि हमने क्या किया, एप्लेट कोड तो लिखा, लेकिन उस एप्लेट कोड को रन करने के लिए वी नीड दिस HTML कोड ऑल्सो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एप्लेट इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो हमारा पहला टाइप है, दे आर इंडिपेंडेंट। यानी कि जब जावा एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे ना, उसके अंदर हम लोग किसी और लैंग्वेज की कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट सिंपली राइट द कोड एंड रन इट डायरेक्टली। सो आई जस्ट कीप दिस स्लाइड ऑन द स्क्रीन, रीड इट वंस। अगर कहीं पर भी एक्सेप्ट दिस पॉइंट, मेन मेथड के पॉइंट को छोड़ के कहीं पर भी डाउट है ना, तो आस्क मी वंस। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कवर वन ऑफ द थ्योरी टॉपिक टाइप्स ऑफ
जावा प्रोग्राम्स, देर आर मेन टू टाइप्स, जावा स्टैंडअलोन एप्लीकेशन एंड जावा एप्लेट्स. रीड इट वंस. इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर आस्क प्लीज. Do anyone has any doubt? Please ask. किसी को कोई डाउट है इस पेज के ऊपर? On this slide, any doubt? Please ask. Two types of Java programming: standalone and applet. Standalone लिख के डायरेक्टली रन करो, आपको कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको डालने की जरूरत नहीं. एक पॉइंट याद रखने को मैंने कहा अब तक कि मेन मेथड हर किसी के अंदर होता है, हर किसी एप्लीकेशन के अंदर होता है. और दो टाइप के हैं, कंसोल बेस्ड जो हम लोग पढ़ेंगे. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर बटन्स हो, टेक्स्ट फील्ड हो जहां पे आप चीजें लिख सको एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग, जिससे आप ग्राफिकली यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हो. तो हम लोग वो टाइप के एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे. कंसोल बेस्ड क्या होता है आज ही आपको पता चल जाएगा. फिर जावा एप्लेट यानी कि एक छोटे से प्रोग्राम्स होता है जो वेब ब्राउजर के अंदर हम लोग इम्बर्ट कर देते हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. यानी कि अगर आपको एप्लेट को रन करना है तो यू नीड टू इंसर्ट इट इनसाइड ऑन एचटीएमएल कोड, देन ओनली यू कैन रन इट. ओके, एंड दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी टास्क ऑन वेब पेजेस. अदरवाइज वेब पेज के ऊपर अभी आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें दिखते हो ना, कैलकुलेशन या फिर एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट एंड ऑल दैट, वो आप नहीं कर सकते. दैट इज एन एडवांटेज ऑफ जावा एप्लेट. इज दिस साइड क्लियर टू एवरीबडी? ये स्लाइड के अंदर क्या है जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ग्रेट. ओके, सो व्हाट वी डू ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. अब तक क्या था ना, कुछ ऐसी थियरी थी विच माइट फेल्ट यू बोरिंग. क्यों ऐसा बोल रहा था? बिकॉज हम लोग है ना डायरेक्टली कोडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे. अभी तक हमने कोडिंग नहीं की, उससे पहले हम लोग फीचर्स रेफरेंस कर रहे थे, आपको लैंग्वेज के बारे में ज्यादा नहीं पता. सो आगे का पार्ट थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आपके बाद का पार्ट इज समथिंग विच यू आर एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टार्ट्स नाउ. व्हाट इज JDK? फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल फॉर्म इज जावा डेवलपमेंट किट. दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच इन्वॉल्व ऑल द थिंग्स विच रिक्वायर्स टू राइट, compile, I won't say write because write तो हम लोग notepad में ही लिख देंगे, to compile or and to run any Java program. यानी कि अगर आपको Java का कोई भी program बना है, what you will need, the only thing that you will need is JDK. Otherwise notepad तो है ना हर किसी के system के अंदर होगा ही. कहीं पे you write, it is okay, there is no issue, but save करते वक्त ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, सो अगर आपको कोई भी जावा का प्रोग्राम करना है तो व्हाट इज द ओनली थिंग दैट यू विल नीड दिस JDK, जावा डेवलपमेंट किट. तो अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, सपोज दिस सर्कल, दिस ओवल इज नथिंग बट अवर JDK. तो इस JDK के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, है ना, जावा डेवलपमेंट किट. सो फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव रूट इन दिस लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, JDK के अंदर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट. नाम ही काफी है उसका मतलब बताने के लिए. जावा रन टाइम एनवायरमेंट का काम क्या होगा कि किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए इसके अंदर की चीजों की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो JDK के अंदर का एक पार्ट है JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट. इस JRE के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. मैं ये नहीं कहता हूं कि दिस आर द ओनली थिंग्स. JRE के अंदर देर आर सो मेनी थिंग्स. उसके अंदर की दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे. एक होगा JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और होगी बहुत सारी क्लास लाइब्रेरीज एंड देर आर एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स ऑल्सो. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? जावा वर्चुअल मशीन. अब ये जावा वर्चुअल मशीन करता क्या है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूं. बट JDK के अंदर JRE को छोड़ के और क्या क्या होता है? तो उसके अंदर होता है कंपाइलर, होता है डीबगर, होता है जावा डॉक की
टूल हो गए, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज हो गए, बट जेडीके के अंदर मेन चीजें क्या होती है, जेआरई होगा, कंपाइलर होगा, डीबगर यानी कि एरर रेक्टिफिकेशन के लिए जावा डॉक, आपकी फाइल बनाने के लिए बहुत सारे की टूल्स हो गए, इनसाइड जेआरई देयर इज जेवीएम एंड मेनी क्लास लाइब्रेरीज. सो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी विल बी यूजिंग इन अवर कोडिंग. सो कुछ नाम मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर दिए. ठीक है, तो जेडीके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यू विल गेट जेआरई, यू विल गेट अ कंपाइलर, इनसाइड द जेआरई यू विल गेट जेवीएम एंड द क्लास लाइब्रेरीज. इन सब चीजों के अंदर इसका हार्ट कहां पे है जेडीके का, तो इट इज देयर इनसाइड जेवीएम. जेवीएम के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज देयर इन अवर पोर्शन टू लर्न समथिंग अबाउट जेवीएम, बिकॉज दिस इज थिंग जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा. ठीक है, तो जेवीएम के बारे में पढ़ेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाता. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज हमारे सिस्टम के अंदर हम लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे. कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा. जैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे आपके सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो चुका है कैसे पता चलेगा वो भी देख लेंगे. बट सपोज मेरी सिस्टम के अंदर मैंने जेडीके को इंस्टॉल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या आपको दिखेगा. देखो आई विल शो यू, मैंने सिस्टम के अंदर मैंने कब क्या, आई थिंक आज सुबह ही क्या, मेरे सिस्टम के अंदर ना पुराना वाला था जेडीके, तो मैंने क्या किया नया वाला किया. व्हाट आई डिड इज मैं अभी लोकल डिस्क सी में जा रहा हूँ, यूजर नहीं, आई थिंक इट इज इन प्रोग्राम, प्रोग्राम फाइल ये वाले या फिर ऊपर वाले में होगा. ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैं जाऊंगा, मैंने जावा सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल किया ना, तो ये फाइल अपने आप बन जाता है जावा. जावा के अंदर ये रहा जेडीके, ये जेडीके के अंदर देयर शुड बी ए जेआरई इनसाइड बीन और समथिंग. पुराने वाले जो वर्जन थे ना उसके अंदर जेआरई अलग से आता था टिल सेवेंथ, लेकिन जो नए वाले वर्जन है ना उसके अंदर जेआरई अंदर ही आ जाता है. देयर शुड बी समवेयर इनसाइड इट, आई कैन नॉट फाइंड इट नाउ, बट जेआरई शुड बी देयर इनसाइड समवेयर. आई कैन नॉट फाइंड आउट जेआरई का पर्टिकुलर फाइल, बट जेवीएम यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, अदरवाइज मेरा जो पुराना वाला वर्जन था विच इज रिक्वायर्ड फॉर एपलेट, एपलेट का एक डिसएडवांटेज ये था ना कि अगर मैं नए वाले वर्जन से करता था ना तो वो नहीं होता था, तो इसलिए मैंने जेडीके का सेवेंथ वर्जन किया था. अच्छा साइड में, ओके हाँ यहाँ पे करेक्ट, इन साइड दिस आई कैन सर्च जेआरई, करेक्ट. लेट इट जस्ट शो, इट शुड बी, सो देर इज नो फाइल नेम जेआरई, डायरेक्टली आपको जेडीके जेवीएम मिल जाएगा. इन साइड बीन आई थिंक सर्वर के अंदर जेवीएम डायरेक्टली मिल रहा है. सो जेआरई करके फाइल नहीं है, लेकिन अब देर इज नो फाइल नेम ऑफ जेआरई, लेकिन पुराने वर्जन में था एज मच आई हैव सीन. सो जैसे आप डाउनलोड करेगा ना ये सिस्टम हो जाएगी. लेकिन जेडीके के अंदर हम लोग ने क्या किया, जेडीके डाउनलोड किया, मैंने कोड लिख दिया. जैसे मैंने कोड लिख दिया, आई सेव इट, पहला काम मैं क्या करूंगा, फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी कंपाइलिंग माय कोड. कंपाइलिंग का मतलब मैं मेरे लिखे गए सिंटेक्स को, मेरे लिखे गए कोड को मैं उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा. राइट, सो कंपाइलर का काम क्या होगा, सोर्स कोड यानी कि जो कोड मैं लिख रहा हूं उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करना. अब ये बाइट कोड होता क्या है, दिस बाइट कोड आर नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर जेवीएम. यानी कि हमारा जो जावा वर्चुअल मशीन है उसके लिए वो इंस्ट्रक्शंस हो गए. यानी कि सपोज मैंने क्या किया, कोड लिख दिया, मैंने उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया. जब मैं उसको रन करता हूं तो रन कैसे होता है, तो हम लोग है ना आज सीखेंगे रन कैसे करना है. लेकिन रन करने के बाद पीछे क्या होता है, तो पीछे हमारा जेवीएम उस बाइट कोड के अंदर लिखे गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है. यानी कि बाइट कोड इज अ लैंग्वेज दैट अवर जेवीएम कैन अंडरस्टैंड. सो बाइट कोड इज नॉट अ मशीन लैंग्वेज, है ना. तो बाइट कोड क्या होता है, दिस इज अ लैंग्वेज दैट अवर जेवीएम कैन अंडरस्टैंड. तो जेवीएम क्या करेगा, उस बाइट कोड को रीड करके लाइन बाय लाइन हमारी चीजों को एग्जीक्यूट करेगा. राइट, सो जेवी का काम क्या होगा, वो बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर एंड अवर मशीन विल एग्जीक्यूट अवर रिजल्ट. सो बाइट कोड इज नॉट अ मशीन लैंग्वेज, एक चीज क्लियर करेंगे. कंपाइलर का काम क्या होगा, सोर्स कोड को बाइट कोड में अंदर कन्वर्ट करना. बाइट कोड क्या होता है, तो दिस आर नथिंग बट द लैंग्वेज इन विच अवर जेवीएम अंडरस्टैंड. यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन बाइट कोड एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारा जेवीएम समझ सकता है. जेवीएम क्या करेगा, उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर एंड अवर मशीन विल एग्जीक्यूट द रिजल्ट टू अस.
JVM फुल फॉर्म इज जावा वर्चुअल मशीन, आई थिंक पहले भी किया था, है ना। सो दिस इज अबाउट JDK, अ बिट अबाउट JDK। हाँ, किसी को कुछ पूछना रहेगा देखे नास का। JDK, व्हाट इज JDK? तो जावा डेवलपमेंट किट। सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी मेन मेन सी चीजें हमें जरूरी है? तो कंपाइलर, JRE, JVM, करेक्ट। JVM कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड। आई विल बी गिविंग व्हाट आई हैव थॉट ना, कि मैं एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दूंगा ना, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक है ना, मैं क्या करूंगा ना अभी, इसके बाद हम लोग JDK इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मैं ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज अभी भी ब्रेक ले सकते हैं इफ यू वॉन्ट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं, देन आई विल इंस्टॉल इन समवन सिस्टम एंड देन विल रन, नो इश्यू अबाउट इट, ठीक है। तो एक छोटा सा एक रिविजन, कंपाइलर सोर्स कोड इन टू बाइट कोड, बाइट कोड इज वॉट इंस्ट्रक्शन फॉर JVM, JVM क्या करेगा, बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करके हमारा सिस्टम फिर उसको रन करके दे देगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली में JDK क्या कैसे इंस्टॉल करना है, हम लोग थोड़ी देर में सीखते हैं। सो कैन आई जस्ट टेक 5 मोर मिनट्स, बिकॉज JVM अभी हो जाएगा, सेम पॉइंट्स है, आई जस्ट नीड टू शो यू गाइज, ओके, 5 मोर मिनट्स, नॉट मोर, ओके ओके। सो जावा वर्चुअल मशीन JVM, अभी अभी जो मैंने चीजें बोली है ना, वही पॉइंट्स है यहाँ पर। जावा वर्चुअल मशीन JVM इज एन इंजन दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट टू ड्राइव अ जावा कोड और एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी कोड को रन करने के लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ेगी। इट कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। JVM इज अ पार्ट ऑफ JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर प्रोड्यूसर्स मशीन कोड फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, हाउएवर जावा कंपाइलर प्रोड्यूसेस कोड फॉर द वर्चुअल मशीन नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। यानी कि बाकी सारी लैंग्वेज में क्या होता है कि जब कंपाइल करता है तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा कंपाइल करने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये बाइट कोड किसके लिए है? इट इज फॉर वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट जावा वर्चुअल मशीन। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द ब्रेक विल बी टू इंस्टॉल JDK इन वन ऑफ द स्टूडेंट सिस्टम, ठीक है। सो विद दिस हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, विल मीट आफ्टर द ब्रेक, ओके। 10 मिनट का ब्रेक है, इट इज 52, विल मीट एट 11:05, ठीक है, 11:05 को।